मध्य प्रदेश में एक बार फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। शनिवार रात एक घने सुनसान जंगल में महिला की डिलीवरी कराया गया, क्योंकि जिस एम्बुलेंस से महिला अस्पताल जा रही थी उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। सीएमएचओ का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, जांच करवाते हैं। मामला 28 अक्टूबर का है, लेकिन वीडियो शनिवार देर शाम सामने आया है। मामला पन्ना जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर सहनगर के बनौली का है। शुक्रवार शाम रेशमा आदिवासी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया था। एम्बुलेंस बनौली गांव पहुंची और वहां से गर्भवती को शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हो गई। शाहनगर के घने जंगल से गुजरते समय अचानक एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और सुनसान जंगल में ही एम्बुलेंस बंद पड़ गई। महिला का दर्द बढ़ता जा रहा था। रात और जंगल होने की वजह से कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर परिजनों ने जंगल में टॉर्च की रोशनी से महिला की डिलीवरी कराई। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। इस दौरान किसी ने इन सब का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो शनिवार देर रात सामने आया। महिला के परिजनों ने बताया कि डिलीवरी के बाद हमने प्राइवेट गाड़ी मंगवाई, दोनों को अस्पताल लेकर गए। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, माँ बेटी दोनों सुरक्षित हैं। मामले में 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी मामले में जब सीएमएचओ वीएस उपाध्याय से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हालांकि उन्होंने जांच कराने की बात कही है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।